इच्छा शक्ति और आत्मबल से छोड़ सकते हैं नशा। बीके लक्ष्मी दीदी, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कराया संकल्प। गौर झामर मध्य प्रदेश से खास खबर। ब्रह्मा कुमारी के गौर झामर सेवा केंद्र पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी दीदी ने माताओं बहनों को अपने परिवार के सदस्यों को तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसे छोड़ने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 1987 में पहला विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तब से आज तक इस दिन तंबाकू इसके सेवन के घातक परिणामों के प्रति लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम तंबाकू और फेफड़े का स्वास्थ्य है, यानी इस बार लोगों को उनके फेफड़ों के स्वास्थ्य और फेफड़ों पर तंबाकू के नकारात्मक प्रभाव के प्रति जागरूकता किया जाना है। तंबाकू के सेवन से 40 तरह के कैंसर होते हैं और 25 तरह की बीमारियां होती हैं। लक्ष्मी दीदी ने कहा कि दुनिया में कोई भी नया काम शुरू करने, बुरी आदत को छोड़ने और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी इच्छा शक्ति, आत्मबल, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसमें राजयोग मेडिटेशन आपके लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकता है। राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से हमारे विचारों में सकारात्मकता आती है। राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी के सभी सेवा केंद्रों पर निशुल्क सिखाया जाता है। आज ब्रह्मा कुमारी द्वारा विश्व तंबाकू दिवस चलाया जा रहा है निषेध, यह एक अद्वितीय है जिसके लिए हम सभी संस्थाओं को और सभी संस्थाओं बहनों से और बहनों से विशेष तौर से अनुरोध करना चाहते हैं। हम सभी को इनके साथ होकर इस समाज से नशा मुक्त करवाने के लिए सभी को मुहिम चलानी चाहिए। और आज ब्रह्म कुमारी संस्था का हम सब हृदय से धन्यवाद करते हैं कि ये लोग यह काम कर रहे हैं और सभी को सपोर्ट करना चाहिए ताकि समाज के बेतबके जो आज नशे में लिप्त हैं, आज पर्यावरण में भी नुकसान हो रहा है जिससे हम सब जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आज सभी से पुनः अनुरोध करते हैं कि तंबाकू निषेध हो या शराब, इन सबके लिए हम लोगों को इन संस्थाओं का सपोर्ट करना चाहिए, खासतौर से हम संस्थाओं वालों को। इसमें बढ़ चढ़ अखंड नारी जागृति समिति पूर्ण सहयोग करेगी। इसके लिए आप लोगों ने हम लोग को कहा, मार्गदर्शन दिया।